चलिए, इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। सो नेविगेशनल कीवर्ड्स के बारे में चार चीजें हम इस पूरे वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। पहला कि नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, दूसरा आपको ये कब इस्तेमाल करने चाहिए, और तीसरा इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करने का आपको बेनिफिट क्या हो सकता है, और चौथा इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करने पे आपका ड्रॉबैक्स क्या आपको मिल सकते हैं। तो जानने के लिए जो है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। और आगे बढ़ने से पहले गाइज आपको बता दूं, अगर आप SEO में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितने डोमेन्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको यहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है हमारा नेविगेशनल कीवर्ड्स। सो बेसिकली पहला जो अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज नेविगेशनल कीवर्ड्स, या हम बात करें इसकी कि नेविगेशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो बेसिकली जैसा इसका नाम है नेविगेशन, राइट? तो नेविगेशन का क्या मतलब होता है, किसी को रूट को फाइंड आउट करने का तरीका, यानी कि किसी रूट को फॉलो करने का तरीका। तो ऐसे में अगर हम नेविगेशनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो विच मीन्स हम किसी ना किसी ट्राफिक को किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाना चाहते हैं। तो ये होते हैं आपके नेविगेशनल कीवर्ड्स। अभी डोंट वरी, प्रैक्टिकल ये कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो नेविगेशनल है कि नहीं, ये आपको जब मैं प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करूंगा बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तो सेकंड हम बात करते हैं कि कब आपको नेविगेशनल टूल इस्तेमाल, कीवर्ड्स जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। तो अगर हम बात करें कि नेविगेशनल जो कीवर्ड्स हैं वो, जैसे कि हमने बात करी कि ये एक स्पेसिफिक रूट को डिफाइन करते हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन तक हम किसी कस्टमर को लेके जाना चाहते हैं, वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से आप एक एफिलिएट मार्केटर हैं। अब एफिलिएट मार्केटर हैं तो अगर कोई ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे भी आए, लेकिन आपका जो एंड जो गोल है उस क्लाइंट को, किसी भी पर्टिकुलर जिसका भी आप एफिलिएट कर रहे हैं, आप उसकी वेबसाइट तक लेके जाना चाहते हैं, तो आप ऐसी कंडीशंस के अंदर नेविगेशनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स से टेक एन एग्जांपल कि अगर कोई सर्च कर रहा है मेंस शूज ऑन Amazon, तो ये जो है Amazon से रिलेटेड है, बट हमने क्या करा, उसी कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया हमारे जो भी हमारा पेज है या जो भी ब्लॉग है उसके अंदर। तो यहां पर क्या होगा कि लोग सर्च तो Amazon के लिए कर रहे हैं, बट क्योंकि आपने ये नेविगेशनल टूल, क्योंकि आप उसी का एक एफिलिएट प्रोग्राम जो है वो रन कर रहे, एक एफिलिएट वेबसाइट रन कर रहे हो, तो ऐसे में आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास में भी वो ट्रैफिक आए, सो दैट आई कैन गिव देम, जो भी क्लाइंट है, जो भी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर है उनको आप पूरा डिटेल देकर फिर आप जो है उनको एज अ कन्वर्ट कस्टमर बनाकर जो है आपके Amazon पे लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप इन नेविगेशनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तीसरी अगर हम बात करें कि बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट यहां पे अगर बात करें नेविगेशनल टूल के, तो नेविगेशनल टूल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है कि उनके पास में एक स्पेसिफिक एक टारगेट ऑडियंस होता है। तो टारगेट ऑडियंस जो है वो काफी हाई वॉल्यूम में हो सकता है। तो ऐसे में अगर हम जैसे अभी एग्जांपल के लिए हमने बात करी कि मैन शूज ऑन Amazon, अब यहां पे हमने Amazon वर्ड का इस्तेमाल करा जो कि एक एंड टारगेट है हमारे लिए। तो बेसिकली यहां पर जो लोग हैं Amazon को एक बहुत वेटेज है इस नाम का, और इसके ऊपर में काफी सारा ट्राफिक जो है वो जनरेट किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आप एक नेविगेशनल कीवर्ड्स के ऊपर का इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट को रैंक पे लेके आ सकते हैं, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कितना ह्यूज ट्रैफिक आपको मिल सकता है। तो ये आपका एक बेनिफिट हो गया। अब इसका ड्रॉबैक भी देख लेते हैं। चौथा अगर पॉइंट बात करें तो ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग दी नेविगेशनल टूल। अब ड्रॉबैक की अगर बात करें, डोंट वरी, मैं प्रैक्टिकल भी आपको आने वाले वीडियोस के अंदर कवर अप करके दिखाऊंगा इस चीज को। अब क्योंकि हम किसी एक बड़े ब्रांड को या किसी एक बड़े, क्योंकि नेविगेशनल है तो डेफिनेटली उसका एक ब्रांड वैल्यू है, उसकी एक इमेज है, उसकी एक ट्रैफिक है, एक पूरा एक कह सकते हैं कि उसके अंदर जो है काफी उसका डोमेन अथॉरिटी या उसकी कीवर्ड अथॉरिटी जिसको कह सकते हैं वो बहुत अच्छी है। अब ऐसे में अगर आप उस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, लाइक से फॉर एग्जांपल जो हमने एग्जांपल लिया मेंस शूज ऑन Amazon, अब यहां पर कोई अगर टारगेट ऑडियंस उसको यूज कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा, राइट? क्योंकि यहां पे जैसे ही आप कीवर्ड में सर्च करोगे, ऊपर में किसी भी आपका जो सर्च इंजन उसमें सर्च करोगे, तो पहले आपके
बहुत सारे पेजेस जो हैं वो Amazon खुद प्लेस कर देगा, राइट। लेकिन उसके बाद काफी नीचे जाकर आपकी वेबसाइट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उस पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, मिल सकता है। लेकिन अगर हम इंटेंशन देखें तो यहां पर क्या है कि लोग क्या करना चाहते हैं, Amazon को ओपन करना चाहते हैं, ना कि किसी दूसरी वेबसाइट को। तो अगर आपने Amazon का इस्तेमाल करा तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट जो है यहां पर रैंक में आने के बाद भी आपको ट्रैफिक नहीं मिल सकता है। तो ये एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सो गाइस, आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको नेविगेशनल कीवर्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, ये आज के इस वीडियो के अंदर हमने कवर अप करा। बाकी इसका जो प्रैक्टिकल सेशंस हैं वो डेफिनेटली बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहे हैं, सो दैट कि आप जो है बिल्कुल बेसिक से लेके और बिल्कुल एक्सपर्ट तक जो है वो SEO के अंदर बन सके। तो चलिए, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूं आपको एक और टॉपिक के साथ, एक और वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।